जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में डाटा टाइप क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बताएंगे कि डाटा टाइप क्या होते हैं। डाटा टाइप, आप सभी ने डाटा टाइप का नाम सुना होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, सी लैंग्वेज इज द वर्ल्ड फर्स्ट लैंग्वेज हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप। वर्ल्ड की जो पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाई देती है सी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में कुछ एडिशन हुआ। बी लैंग्वेज में प्रोफेसर डेनिस मैकअलिस्टर रिची, जिन्हें सी का फादर कहा जाता है, उन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। एंड डाटा टाइप इज द, यानी सी इज द वर्ल्ड फर्स्ट लैंग्वेज हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप। अब अगर हम डाटा टाइप की बात करते हैं तो यहाँ अनायास ही हमारा ध्यान जाता है कि ये जो डाटा है, ये डाटा जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ये डाटा कंप्यूटर में कितने तरह का होता है। हमारा ध्यान कहाँ गया कि जो डाटा है, डाटा कंप्यूटर में कितने तरह का होता है। तो ध्यान देंगे यहां पर कि डाटा तो जनरली, जो डाटा होता है, डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो तो एक न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होता है, न्यूमेरिक नंबर की फॉर्म में स्टोर होता है। ये जो नंबर है, ये जनरली जो नंबर यहां पर होता है वो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है। और अगर ये नंबर है तो नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था कि जो डाटा है, वो जो नंबर है, वो नंबर या तो साइंड होता है, या तो उसके आगे साइंड होता है, या फिर उसके आगे अनसाइंड होता है, या तो वो साइंड होता है या वो अनसाइंड होता है। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को पहले बता चुके हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन को भी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में वॉट एवर वी आर स्टोरिंग दैट ऑल गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जो नंबर है जो बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी बाइनरी नंबर की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो या तो वो साइंड है या फिर वो अनसाइंड है। तो एक तो ये पता चला कि अगर जो हमारा डाटा है तो वो या तो साइंड होगा या अनसाइंड होगा। दूसरा, हम जानते हैं कि अगर ये नंबर है भी, अगर ये नंबर है भी, तो ये दो तरह से लिखा जा सकता है। सच एज हमने लिखा एक नंबर 35, दूसरा नंबर हमने लिखा 35.53। सो टू नंबर भी राइट हियर। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये जो नंबर की जो कैटेगरी कहलाती है, ये जो डाटा टाइप कहलाता है, इसको हम इंटीजर कहते हैं, और ये जो डाटा टाइप कहलाता है इसको हम फ्लोट कहते हैं। तो मित्रों, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डाटा टाइप आपको यहां पर दो कैटेगरी का दिखाई देगा, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो डाटा टाइप एक फ्लोट डाटा टाइप होगा। यानी डाटा टाइप सी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो दो ही कैटेगरी का वहां दिखाई देगा, या तो वह इंटीजर होगा या फिर वो फ्लोट होगा। क्योंकि हमारे पास जब हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करते हैं तो मेमोरी का साइज हमारे पास लिमिटेड होता है और मेमोरी हमें डाटा टाइप के हिसाब से लेना होता है। इसलिए जो सी लैंग्वेज के जो फाउंडर थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, जो फादर थे, उन्होंने इंटीजर डाटा टाइप को फर्दर थ्री फोर कैटेगरी में यहां पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो इंटीजर है वो एक कैर डाटा टाइप की फॉर्म में हो सकता है, कैर होता है। दूसरा सॉर्ट हो सकता है, सॉर्ट डाटा टाइप हो सकता है। तीसरा वो इंट डाटा टाइप हो सकता है। चौथा वो लॉन्ग हो सकता है। यानी चार साइज का डाटा टाइप यहां पर बना दिया। उन्होंने कहा कि जो डाटा होता है वो मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जो स्पेस है, अगर इंटीजर की ही बात करते हैं तो वो चार तरीके से वहां पर स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, चार तरीके से वहां पर साइज को ऑक्यूपाई कर सकता है। जो फ्लोट था, फ्लोट को भी फर्दर यहां पर थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और कहा गया कि फ्लोट जो है वो सिंपल एक फ्लोट डाटा टाइप हो सकता है, एक डबल डाटा टाइप हो सकता है, एंड एक आपका लॉन्ग डबल डाटा टाइप हो सकता है, लॉन्ग डबल डाटा टाइप हो सकता है। इस तरह से यहां इंटीजर को फर्दर चार सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फ्लोट को फर्दर थ्री सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फ्लोट इंटीजर को कैर, सॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये चार कैटेगरी में सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और जो फ्लोट था, फ्लोट को फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनको एक साइज के हिसाब से डिवाइड किया गया और कहा गया जो करेक्टर डाटा टाइप होता है उसका साइज
वन बाइट होता है, सॉर्ट डाटा टाइप का साइज 2 बाइट होता है, इंट का साइज 2 अथवा 4 बाइट होता है, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। इंट का जो साइज होता है सी लैंग्वेज के अंदर हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, 2 बाइट का होता है या 4 बाइट का होता है। जब हम विंडो पर बात करते हैं तो इसका साइज, इंट का साइज 2 बाइट का होता है, जब हम यूनिक्स पर बात करते हैं तो इंट का साइज 4 बाइट का होता है, इंटीजर यूनिक्स में 4 बाइट का होता है। लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग का साइज 4 बाइट होता है, जब फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट का साइज भी 4 बाइट होता है, डबल का साइज 8 बाइट होता है, और जो लॉन्ग डबल होता है उसका जो साइज है 10 टू 14 बाइट होता है, ये भी आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। ये आपका ये डाटा टाइप का साइज होता है। इस तरह से अगर हम डाटा टाइप को देखें तो डाटा टाइप हमारे पास यहाँ पर दो तरह का हुआ, या तो इंटीजर हुआ या फिर फ्लोट हुआ, या तो साइंड हुआ, या तो ये क्या हुआ साइंड हुआ, या फिर ये क्या हुआ अनसाइंड हुआ। तो ये जो कैटेगरी यहां पर जो डिफाइन की, ये हमारा साइंड डाटा टाइप की कैटेगरी थी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे साइंड कैर, या सिंपल लिख सकते थे कैर। जब हम अनसाइंड डाटा टाइप की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको फर्दर वही सेम इसी तरीके से उसको 4 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, और कीवर्ड यहां पर यूज किया गया कि दिस इज द अनसाइंड कैर होता है, अनसाइंड आपका सॉर्ट होता है, अनसाइंड आपका इंट होता है, अनसाइंड आपका इंट होता है, अनसाइंड आपका लॉन्ग इंट होता है, अनसाइंड आपका लॉन्ग इंट होता है, ऐसे ही अनसाइंड फ्लोट होता है, अनसाइंड आपका डबल होता है, एंड अनसाइंड आपका लॉन्ग डबल होता है। इस तरह से हमने डाटा टाइप को दो यहाँ पर दो मेजर पैरामीटर के साथ यहाँ पर स्टडी किया। एक तो हमने ये स्टडी किया कि डाटा टाइप दो तरह का होता है, या तो इंटीजर होता है या फिर फ्लोट होता है। दूसरा हमने ये यहाँ पर स्टडी किया कि ये साइंड होता है या फिर ये अनसाइंड होता है। अभी आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डाटा टाइप को कंटिन्यू करेंगे और डाटा टाइप को फर्दर कई सारे डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।